सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y300+ डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपने एल्बम एप्लीकेशन के अंदर फोटोज एंड वीडियोस को हाइड कैसे करेंगे। वेल गाइस, उसके लिए आपको अपने एल्बम ऐप को ओपन करना होगा। यहाँ पर हमारा एल्बम एप्लीकेशन है, तो मैं अभी करंट टाइम पे आई थिंक हमारा हाइड है, मैं उसको अनहाइड कर लेता हूँ। पहले मैंने गाइस अपने एल्बम एप्लीकेशन को यहाँ पर अनहाइड कर लिया है और इसको हम ओपन करते हैं। एल्बम ऐप का होम एंटर डैशबोर्ड कुछ आपको इस टाइप्स के देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का फोल्डर है, इसके अंदर कुछ इमेजेस हमारी हैं, इनको हम हाइड करेंगे अभी अपने एल्बम एप्लीकेशंस के अंदर। तो मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ एंड इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ एंड 3 डॉट पे जाना है एंड यहाँ स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हाइड का एक ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना, ये इमेज हमारी इजिली हाइड हो जाएगी। अभी हमारी इमेज हाइड हो चुकी है और उसको देखने के लिए बैक करेंगे, सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करके नीचे आना, हिडन फोटोज का एक ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना है तो जो हमने फोटो हाइड करी थी वो यहाँ पर दिख जाएगी एंड यहाँ से देख सकते हैं। वापस अनहाइड करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना है, आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अनहाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये इमेज इजीली अनहाइड भी हो जाएगी। ऐसे करके आप जो है अपने फोन से मल्टीपल इमेज को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि इसमें कोई प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं है, दैट मीन्स कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगता है, तो अगर आपका कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो आप इसके अंदर हाइड ना करें।